जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि PNST गवर्नमेंट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको हर समय की अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अलॉटमेंट का आपका जो अलॉटमेंट कब आएगा और क्या कितने कॉलेजेस हैं, किस तरीके से जो है आपका काउंसलिंग मैंने प्रोसेस को समझाया आपको और कितना अमाउंट लग रहा है, उसके बारे में पूरे वीडियो बना चुका है। अगर जो भी वीडियो नहीं देखा है आपने तो जल्दी से जाकर तुरंत ही आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा। तो यह वीडियो किस जानकारी मतलब किस से संबंधित है, तो आपको कैसे आपको अपने कॉलेजेस को अरेंज करना है और कम मार्क्स वालों को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, यह वीडियो इसीलिए आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यह वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइस प्रीवियस ईयर जो आपने प्रीवियस ईयर जो सिलेक्शन लिया है जिन बच्चों ने और किस तरीके से उनका कट ऑफ रहा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यह बताऊँगा कि कैसे आपको कॉलेजेस को चूज़ करना है। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो काउंसलिंग में कैसे आप लोग काउंसलिंग करें, किस तरीके से अरेंज करें, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस मैं यह वीडियो पहले लाचा सकता था बट नहीं, मैंने पहले एनालिसिस किया आपका पिछले साल किस तरीके से और कौन सा कॉलेज में सबसे कम कट ऑफ गया है, क्योंकि कॉलेज वाइज कट ऑफ कम जाता है और आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है। तो जी हाँ गाइस, कम मार्क्स वाले को भी कैसे बेनिफिट मिलेगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो देखिएगा, पहले तो मैं बता दूं कि कम मार्क्स वाले को कैसे बेनिफिट मिलेगा। अभी जो है आपके 2 महीने पहले ही ऑटोनोमस कॉलेज का क्या हुआ सर जी, काउंसलिंग हुआ और उसमें से 800 प्लस स्टूडेंट ने सिलेक्शन ले लिया है। कितने सर जी, 800 प्लस स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, जिसमें से आपके 80 वाले भी स्टूडेंट है, 70 नंबर वाले भी स्टूडेंट है और मेरे पास लिस्ट भी है गाइस। लिस्ट भी अगर आपको चाहते हैं तो मैं वह लिस्ट भी बना दूंगा आपके लिए कि कितने स्टूडेंट जो है सिलेक्ट होकर चले गए और 90 प्लस वाले भी स्टूडेंट ने क्या हुआ चुका है ऑटोनोमस कॉलेज में भाग ले चुका है। क्योंकि गवर्नमेंट की वहाँ पर अपडेट अभी तक नहीं आई थी कि सर गवर्नमेंट की कॉलेज होगी या नहीं होगी काउंसलिंग, और इन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया और यह सिलेक्टेड भी हो चुके हैं और मेरे पास बहुत से स्टूडेंट जो है ग्रुप में जुड़े हुए भी हैं। तो यह जो है इनकी सीट क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है और यह जो है अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। क्या है सर जी, गवर्नमेंट कॉलेज में यह काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों, इसका रीज़न क्या सर जी, तो इन्होंने 2 लाख का या 3 लाख का, कई कई 2 लाख और कई कई 3 लाख का क्या है, इन्होंने बॉन्ड भरा है। अगर यह सीट छोड़ते हैं तो इन्हें तुरंत ही 2 लाख भरना पड़ेगा और इसके साथ इन्होंने राशि जो प्रोवाइड की है 45,000-35,000, तो यह भी रिटर्न नहीं होगी, मतलब इनका बहुत लॉस होगा। इसीलिए जो है यह सीट उनकी कंफर्म हो चुकी है। अब इसका बेनिफिट मिलेगा कम मार्क्स वालों को कैसे सर जी, क्योंकि अब 60 मार्क पर और 50 मार्क में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस 80% है। कितने सर जी, 80%, और जिनने 80 है ना गाइस, जिनके 80 मार्क्स है उनका तो श्योर है, 70 मार्क्स है उनका श्योर है कि हो ही जाएगा, 100% श्योर है उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलिए अब आपको किस तरीके से कॉलेजेस अरेंज करना है, यह वीडियो है, सभी बच्चों को मैं बता दूं कि कैसे कॉलेज अरेंज करना है। तो देखिएगा, पिछले साल का जो कट ऑफ रहा सबसे कम किस कॉलेजेस का गया, तो सर जी सबसे कम मंदसौर कॉलेज का कट ऑफ गया है, जिसमें सबसे कम बच्चे, मतलब इस कट ऑफ तो ठीक ही था बट सबसे जो लास्ट में पूरी सीट पिक हुई मंदसौर कॉलेज की। अगर आपके कम मार्क्स है या आपके 50 मार्क्स है या तो आपको 55 मार्क्स है तो आप लोग मंदसौर को कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। कौन सा कॉलेज सर जी, मंदसौर कॉलेज। उसके बाद बात कर लूँ आपको, उसके बाद कौन सा कॉलेज आप लोग अरेंज कर सकते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स है और बहुत अच्छे मार्क्स है, जैसे कि 70 मार्क्स है और आपके 80 प्लस मार्क्स है, तो आप लोग सबसे पहले भोपाल कॉलेज, सॉरी जबलपुर कॉलेज रखेगा। कौन सा कॉलेज रखेंगे, जबलपुर कॉलेज रखेंगे। अगर आपके जो है 70 के अबव मार्क्स है, मतलब 70 है या तो आपको 65 मार्क्स है, तो आप लोग उसके बाद उज्जैन रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग कौन सा कॉलेज रख सकते, उसके बाद विदिशा रखते हैं जो भोपाल के नजदीक है। तो ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जहां पर स्टडी भी बहुत अच्छी होती है और यहां पर फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। यह प्रशिक्षण संस्थान है गाइस, कॉलेजेस नहीं है, क्या है यह, प्रशिक्षण संस्थान है, जो आपका हॉस्पिटल रहेगा और हॉस्पिटल के अंदर ही आपका प्रशिक्षण संस्थान रहेगा। यहां पर आपको क्या किया जाएगा, यहां पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी रूल बुक आ चुकी है मेरे पास, मैं रूल बुक को भी पढ़कर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। रूल बुक में क्या है, कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए मैं अभी वीडियो लाऊंगा इसके बाद। तो आप लोग निरंतर बने रहिए, हर अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। चलिए तो देखिएगा, सबसे कम मार्क्स पहले आप लोग मंदसौर चूसेगा, उसके बाद झाबुआ चूज करेगा, उसके बाद दतिया, उसके बाद सतना, उसके बाद देवास, उसके बाद रायसेन, उसके बाद अनूपपुर और उसके बाद उज्जैन, और सबसे बाद में आपको जबलपुर चूज करना है, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ सबसे जाएगा जबलपुर का, हाईएस्ट कट ऑफ जबलपुर, उसके बाद उससे हाईएस्ट जाएगा उज्जैन का, उसके बाद विदिशा का जाएगा गाइस, उसके बाद रायसेन। तो इस तरीके से सबसे पहले जो कॉलेज जो चूज करेंगे, अधिकतर स्टूडेंट जिसके 70 प्लस मार्क्स है वो जबलपुर ही चूज करना पसंद करेगा। अगर जिनके कम मार्क्स है
वह मंसूर ही चूज करेगा, क्योंकि गाइस अधिक आपने देखा भी होगा अगर ऑटोनॉमस में आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कम मार्क्स पर भी 60 मार्क्स पर भी कॉलेज अरेंज जो है मिल चुका है गाइस। तो इसका रीज़न यही होता है कि आप लोग का सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉलेज जो अरेंज कर रहे हैं आप लोग वो बिल्कुल सही सिक्वेंस में होना चाहिए, तभी आपका क्या होता है सिलेक्शन होता है, चाहे आपके मार्क्स कम हो या फिर ज़्यादा हो ये डिपेंड नहीं करता है। तो गाइस पिछले साल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको कॉलेजेस को अरेंज करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको लगता है कि सर ऐसे ही हम लोग कॉलेज को अरेंज करेंगे तो गाइस ऐसे ही आप लोग अरेंज करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है अभी उन्हें पता नहीं है कि काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, ओनली और ओनली 7 दिन के अंदर यह पोर्टल बंद हो जाएगा और यह साल भर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद एंड वेलकम बैक।